तो गाइस दिखाते हैं 2 BHK का प्रोग्रेस साइड है, चालू किया है अभी काम। बट पहले अपन आपको रूम ही दिखाते हैं, आ जाओ डायरेक्टली। दोनों रूम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, रूम में बेहतरीन तरीके से किया हुआ है। हॉल का तो चल रहा है, विनर सीट ठोका है पूरा, और ये HDMR सीट मार के यूरोपियन पट्टी डिज़ाइन लगाई है। इस बीच में ग्लास लग जाएगा तो अलग अलग डिज़ाइन होगी, और इधर सामने दीवार पर भी यूरोपियन डिज़ाइन मार दिए तो वॉल सोबर और अच्छी दिखे, खाली भी ना दिखे, तो इसलिए आप यूरोपियन डिज़ाइन मार सकते हैं। और इधर ये बेसिंग है, बेसिंग को हमने साइड में ऊपर राप्टर सीट घुमाया है, लाइट लग जाएगी, नीचे बेसिंग आएगा ही, बेसिंग लगना बाकी है। चलो अपन पहले रूम में चलते हैं, आपको मास्टर रूम और बेडरूम दोनों आपको बताते हैं कि दोनों रूम में किस टाइप से डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, ये चिल्ड्रन रूम आ गया है, देख सकते हैं पिंक कलर वाइट कलर में किया गया है, और नीचे HDMR सीट का ऐसे राउंडिंग है, और हमने लेमिनेट को राउंड में कट किया है। हैंडल नहीं है ऊपर के लॉफ्ट, हैंडल लेस है, और इसके ऊपर मिरर लगाया जाए डोर के ऊपर। अंदर स्टोरेज हो गए, ड्रेसिंग टाइप हो गए, मिरर भी उसी टाइप से लगाया है जैसे लेमिनेट लगा हुआ है, और वापस डोर भी हमने इसका उड़न फिनिश में लगाया है। अंदर हमने फैब्रिक लेमिनेट यूज़ किया है, और नीचे हमने ड्रावर्स यूज़ किए, ये ड्रावर हो गए। ड्रावर के ऊपर हमने राप्टर सीट यूज़ किया है, इसके ऊपर पेंट होगा, और वापस ये ओपन डोर हो गए हमने सामने। एक साइड हैंगर है, हैंगर के नीचे फोल्डिंग सेल्फ निकाल सकते हैं, तो इस टाइप से ओपनेबल डोर हो गए। आप मेन डिज़ाइन बाहर का देख सकते हैं, बाकी अंदर तो अपने ऊपर है कैसा भी कर सकते हैं। वाइट लेमिनेट, और ये वैसे मैट में है दोनों लेमिनेट, और इधर सामने अपना स्टडी टेबल आ जाता है, और स्टडी टेबल के ऊपर भी बुक बॉक्स हो गया, नीचे भी डोर हो गए, चैम्पर किया गया है, हैंडल लेस है, स्टडी टेबल हो गया। और चलते हैं आपको दूसरा रूम दिखाते हैं, बेड बाद में दिखाते हैं, दो बेड है सीढ़ी वाला, तब तक आपको दिखाते हैं मास्टर रूम। इधर सामने वार्डरोब आ जाता है हमारा बड़ा, और दिखाते हैं वार्डरोब जो हमने किया है एक्रेलिक में किया है, आपको दिख रहा है इसके ऊपर प्लास्टिक लगा हुआ है, ईरो प्रतीक का एक्रेलिक लगा हुआ है, तो हैंडल लेस है। ऊपर हाइड्रोलिक लॉफ्ट के डोर है बड़े बड़े, देख सकते हैं इसको खांचा था, ये डोर खुल गया, तो ये वार्डरोब हो गया, और चैम्पर डोर है, और मैं बंद भी कर सकता हूँ बिना सीढ़ी। चलो हाइट है, और आपको अंदर का दिखाते हैं कि किस टाइप से अंदर आप ऐसा फैब्रिक कलर लेमिनेट यूज़ किया है। ऑलमोस्ट ज़्यादातर लोग अंदर वाइट लेमिनेट यूज़ करते, अच्छा लुक नहीं आता, फैब्रिक अंदर लेमिनेट यूज़ किया तो लुक थोड़ा बेहतर दिखेगा। ये आपका हैंगर का हो गया, और ये फोल्डिंग सेल पे निकाल सकते हैं, रख दिया तो बड़े हैंगर के कपड़े रख सकते हैं। नीचे ड्रावर, सबसे नीचे भी बड़े बड़े हमने ड्रावर लगाए हैं, इसमें स्विच वगैरह रखो या आपको जैसा जो इजी पड़े वो रख सकते हैं। नीचे अलग से ड्रावर दिए हमने, दो यूज को इजी रहता है। और आपको इधर का दिखा देते हैं कि किस टाइप का इस साइड का कंपार्टमेंट है, अंदर की ड्राइंग ऑलमोस्ट सेम ही है अंदर का, तो हमने दिख रहा है आपको। और क्या है, आपको इधर का ड्रेसिंग टेबल भी बता देते हैं, बाकी अपने ऊपर है अंदर का कैसा भी कर सकते हैं। और ये मशीन फिनिश में है पूरा, यहाँ पे आके असेंबल किया गया है, पहले माप लेके गए और यहाँ पे लाके खाली फिटिंग किया है, बस कुछ ये नहीं है। तो आपके घर पे ये काम फिट करने में 10 दिन में पूरा फिटिंग हो जाता है, जो टाइम लगता है अपनी फैक्ट्री में लगता है। और काम देखो पूरा साइड थी, लाइट नहीं थी तो हमने सब लाइट लेके पीछे घूम रहे हैं। और ये ड्रेसिंग टेबल है, मिरर है, मिरर के पीछे भी हमारा स्टोरेज है, आप मिरर का डोर थोड़ा अंदर रख सकते हैं ताकि बाहर डब्बा ना लगे। ऊपर भी लाइट लगने वाली है, साइड में हमने फ्रूटेड ग्लास का प्रोफाइल डोर दिया है, और ये नीचे दो ड्रावर्स हो गए विदाउट हैंडल है। आप ये मान चलते हैं कि जो ये एक रूम का प्राइस कितना था, प्राइस आपको बता दूं, वैसे मरीन प्लाई 710 ग्रेड यूज़ किया गया है, और दोनों रूम का स्टडी टेबल रूम वार्डरोब और इसका ये ड्रेसिंग और वार्डरोब अपन, ये आपको 2.5 लाख में हो जाए, मतलब 2,50,000 में ऑलमोस्ट हो गया है। तो वीडियो आप इंस्टा पे आ सकते हैं, छोटी छोटी वीडियो आपको रील्स ज़्यादा मिलेगी इंस्टाग्राम पे, और डिटेल में उधर भी बताता हूँ। तो बताइए आपकी राय दीजिए, और क्या चाहिए आपको, किस टाइप से बताऊँ। आगे की वीडियो में मिलते हैं, और बेहतरीन वीडियो लाएंगे आगे के लिए इससे भी, तब तक ये पूरा फिनिश होगा तो इसका अच्छे से वीडियो डालेंगे इसी घर का। मैं अनूप सिंह पुणे और जोधपुर से हूँ, मेरा मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है पुणे में, तो पुणे में रहेंगे तो अपना सस्ता रहेगा, पुणे में हैं तो ज़रूर कॉन्टेक्ट कीजिए आप। चलते हैं।